शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे वाह मेरी माया रानी, तूने तो एकदम चुनकर घर पकड़ा अपने काम के लिए है। करो चलो अंदर, मालिक से मिलना है। चलो। मालिक प्रणाम। जीते रहो जीते रहो। मालिक ये रघु, हमने आपको बताया था ना? हाँ हाँ हाँ, तुमने बताया था कि तुम इससे शादी करने वाली हो। जी। कब कर रही हो तुम लोग शादी? मालिक अभी हम दोस्तों के साथ अकेले रहते हैं, जैसे कोई छोटा मोटा घर मिल जाए तो कर लेंगे शादी। शाबाश, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझे। बस मेरी माया को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी मालिक। हाँ हेलो। ठीक है मैं आ रहा हूं। माया, मुझे जरूरी काम से अभी बाहर जाना होगा, तुम ये पैसे रखो, शाम को मैं आके ले लूंगा तुमसे। जी मालिक। और रघु को चाय नाश्ता करा के ही भेजना। जी मालिक। अरे वाह मालिक, इतना विश्वास करते हैं तुझ पे कि पैसों की पूरी गड्डी देकर चले गए। सालों की मेहनत है इतना विश्वास जीतने के लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है विश्वास तोड़ने का। माया जल्दी से मुझे भी इस घर में बुला ले। कोशिश तो यही है रघु, बस सही वक्त का इंतजार है। क्या बात है, आज मुतरमा का कुछ ज्यादा प्यार नहीं आ रहा। अजय मैं सोच रही हूँ कि हम अपनी सेकंड एनिवर्सरी सिंगापुर में सेलिब्रेट करेंगे। वाह भाई वाह, मुझसे बिना पूछे ही सोच लिया। क्यों, तुम्हें एतराज है? नहीं मेरी जान, मैं तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। अरे पापा अपनी तिजोरी तो खोलें एक बार। प्लीज अजय, इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम्हें पापा से पैसे मांगने ही होंगे। देखो बेबी, तुम तो जानती हो कि मेरा बाप कम सांप ज्यादा है, पैसों का नाम लेते ही ना
धसने को आ जाता है। प्लीज ठीक है, अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो सांप के बिल में हाथ डाल लेते हैं एक बार। शर्म आनी चाहिए तुझे, अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हो। अरे तो पापा आपसे नहीं मांगूंगा तो फिर किससे मांगू बताइए। वाह बेटा वाह, जिस उम्र में तुझे पापा के हाथ में पैसे देने चाहिए उस उम्र में तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। तो इसमें गलत क्या है पापा, आखिर क्या आपके पैसे मेरे पैसे नहीं है? नहीं है, मेरी कमाई का एक भी पैसा तेरा नहीं है। मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है तुम्हें और शौक रईसों वाले। ये अपने शौक पूरे करने हैं ना तो कमाना सीखो, और कमाने के लिए काम करना पड़ता है। देखिए पापा, काम वो लोग करते हैं जिनके बाप के पास दौलत नहीं होती, और आपके पास तो क्या मैं अपनी मेहनत की कमाई का पैसा तुम्हें उड़ाने के लिए दे दूं? क्या समझते हो तुम, मैं अपने जीते जी क्या, मैं अपने मरने के बाद भी मैं अपनी दौलत को ट्रस्ट में दान कर दूंगा लेकिन तुम्हें एक पैसे नहीं दूंगा। गनीमत समझो कि तुम्हें कुछ ना करने के बाद भी मैं तुझे यहां रहने दे रहा हूं, यही बड़ी बात है। मालिक मालिक आप ठीक है ना? बैठे बैठे बैठे, पानी पीजिए। चलिए मालिक आपकी दवाई दे देती हूं। इसका मतलब उनके गुजरने के बाद हमें 5 पैसा भी नहीं मिलेगा। लीजिए मालिक आपकी दवाई। मालिक आपको कितनी बार कहा है इतना गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। तो क्या करें माया, मैं अपने का आपको कंट्रोल नहीं कर पाता हूं जो अपनी ही औलाद पैसों के बारे में सवाल जवाब करती है। इसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं या मेरी तबीयत कैसी है, सिर्फ सवाल किया है तो पैसों की खातिर। इनका बस चले ना तो ये जान भी ले लेंगे मेरी पैसों की खातिर। मालिक ऐसी बात मत कीजिए, हम है ना एक तुम ही तो हो माया, तो मेरा इतना ख्याल करती हो, वरना इस घर के किसी कोने में मैं मर जाऊं ना तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। मालिक हम हैं ना आपके साथ, आप ऐसे मरने की बात मत कीजिए। देखा तुमने, देख लिया ना, इसीलिए पापा से पैसे नहीं मांगता हूं मैं, किसी के भी आगे शर्मिंदा कर देते हैं मुझे, पता नहीं
क्या करेंगे इतनी दौलत का वो? माया के लिए। अभी देखकर आ रही हूं मैं कैसे पापा उस माया के कंधे पर सर रखे हुए बैठे हुए थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, सच है। मुझे तो पहले से ही शक था उस माया और पापा के बीच ये चोरी चोरी चुपके चुपके वाला प्यार चल रहा है। मैं नहीं मानता इस बात को। मत मानो, मुझे क्या। जब वो नौकरानी इस घर की रानी बन जाएगी तब तुम्हें यकीन होगा। मैं नहीं जानती, मुझे अब सिंगापुर जाना है बस। अरे तो क्या करूं मैं? हाँ, अब पैसों के लिए चोरी करूं? जब चीजें मांगने से नहीं मिलती तो छीननी पड़ती है अजय। और वैसे भी तुम उनकी करोड़ों की दौलत के इकलौते वारिस हो। घर में चोरी कर रहा है तू? अरे तू इतना कैसे गिर सकता है बोल? तो क्या करूं पापा, पैसे मांगने आओ तो आप देते नहीं है, उल्टा दूसरों के सामने शर्मिंदा करते हैं मुझे। तो तू चोरी करेगा? शर्माती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। अगर प्रिया की फिक्र ना होती ना तो मैं तुझे अभी धक्के मार के अपने घर से बाहर करता। तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। और आज के बाद मेरे कमरे में कभी कदम मत रखना। देखते क्या हो। बस बहुत हो गया, अब बहुत कर ली पापा की इज्जत। अगर अब उनसे पैसे निकलवाने हैं तो मुझे कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करना ही पड़ेगा। इस वक्त सब ठीक है ना? हाँ, जो भी गलत था अब उसे सही करने का वक्त आ गया। शायद आपने ज्यादा पी ली है। आप रूम में जाइए, बैठो। अरे बैठो। अरे वहां नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो हमारे पास। माया, प्रिया बता रही थी कि तुम पापा जी के बहुत करीब आ गई हो। अब उन्हें तुम्हारे सहारे के लिए तुम्हारे कंधे की जरूरत पड़ती है। वो खुद को अकेला महसूस करते हैं, इसलिए जरा दिल हल्का करने के लिए कंधे पर सर रख दिया। दिल तो हमारा भी भारी है, उसे हल्का करने के लिए हमें भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ प्रिया भाभी देख सकती हूँ।
अब जाओ, वरना प्रिया भाभी ढूंढते हुए आ जाएगी। हे माया, सच बोलूं, क्या चीज हो यार तुम? जाओ भी। सच में तुमसे दूर जाने का ना मन ही नहीं करता है। जाओ। तुम मेरे लिए पापा के तिजोरी की चाबी बनोगी और तुम मेरे लिए इस घर में टिके रहने का जरिया। वाह, सैलरी से ज्यादा तो एक्स्ट्रा इनकम है तुम्हारी। अच्छी कीमत चुका रहे हैं पापा। ये पैसे उन्होंने मेरी माँ के इलाज के लिए दिए, आप कितना गलत समझ रही हो उन्हें। ससुर है वो आपके, लेकिन तू मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। कौन क्या कर रहा है सब समझ में आता है मुझे। देखिए, आप मेरा अपमान कर रही है। बड़ी इज्जतदार है तू, इतनी अपनी इज्जत की फिक्र है तो चली क्यों नहीं जाती इस घर से, क्यों चिपक कर बैठी है? मालिक, ये लीजिए, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। हम जा रहे हैं इस घर को छोड़कर। क्या हुआ माया, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? शायद प्रिया भाभी को हमारे इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ हो। दूसरों को तकलीफ देने वालों को कब से तकलीफ होने लगी इस घर में? प्रिया, प्रिया! क्या बात है पापा, क्या हुआ? क्या हुआ है? मैं तुमसे सवाल जवाब करना नहीं चाहता। तुम बस प्रिया को समझा दो कि आगे से वो माया को कोई ऐसी बात ना कहे जिससे इस बेचारी के दिल को ठेस पहुंचे। मैंने ऐसा क्या कहा? अरे तुम तो बिना बोले ही बहुत कुछ बोल देती हो। एक बात याद रखना कि माया सिर्फ इस घर की नौकरानी नहीं, इस परिवार की सदस्य है, समझी? देखो माया, तुम्हें प्रिया की बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है और तुम्हें इस घर से भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें आप जैसे मालिक मिले। हमने फैसला कर लिया है, रघु के साथ शादी करके हम कहीं और रह लेंगे। रघु, ये कौन है? माया ने बताया था कि वो रघु से शादी करना चाहती है, लेकिन ढंग का घर नहीं होने के कारण इसने अभी तक शादी नहीं की। माया, तुम रघु से शादी करके इसी घर में रहोगी। बाहरी माया, पति और आशिक एक ही घर में। जाओ, सामान रखो कमरे में। अरे सदा सुखी रहो। और ये लो, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मालिक, इसकी क्या जरूरत थी? आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, अब शादी में भी इतने पैसों की मदद की, अब इसकी जरूरत नहीं थी। रख लो, तोहफे को मना नहीं करते हैं। वैसे भी तो तुम हमारी रात दिन सेवा करती हो। ये दिन का नहीं, रात की सेवा का इनाम है। बहुत बहुत बधाई हो।
सदा खुश रहो तुम लोग।